भारत ने तिरंगे के अपमान और लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में ब्रिटेन को करारा जवाब दिया है। भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में चूक के मामले में पहले ही ब्रिटिश अधिकारियों को तलब कर चुके भारत ने अब दिल्ली में स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के सामने से सुरक्षा बैरियर हटा दिए हैं। ये बैरिकेड दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग की सुरक्षा का पहला स्तर माने जाते थे। ना सिर्फ ब्रिटिश उच्चायोग बल्कि भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स हेल्स के घर के सामने से भी पुलिस ने अपने बैरिकेड्स को हटा दिया है। हालांकि भारत ने कहा है कि किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वो लापरवाह नहीं है और जिन जिन देशों के उच्चायोग भारत में, नई दिल्ली में या दूसरे शहरों में हैं, उनकी सुरक्षा को पूरी तरीके से प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से ब्रिटेन ने लंदन में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा व्यवस्था को पुरजोर नहीं रखा था और अमृतपाल के समर्थकों ने रविवार को जो हिंसक प्रदर्शन भारतीय उच्चायोग के सामने किया था, भारत भवन में किया था, भारत उस मामले में ब्रिटेन को सबक सिखाना चाह रहा है। अगर आपको याद दिला दें कि रविवार को भारतीय उच्चायोग पर जो प्रदर्शन हुआ था और उसकी तस्वीरें अगर दोबारा देखी जाएं तो यह साफ हो जाता है कि ब्रिटिश पुलिस का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी भारतीय उच्चायोग के सामने मौजूद नहीं था और इसी कारण से खालिस्तान के समर्थक प्रदर्शनकारी ना सिर्फ भारतीय उच्चायोग के दरवाजे तक पहुंच गए बल्कि तिरंगे से छेड़छाड़ भी की। भारत के विरोध जताने के बावजूद ब्रिटिश प्रशासन ने अब तक रविवार को हुई इस हिंसा के मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई या किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। हालांकि जब ब्रिटिश उच्चायोग के अधिकारियों से बैरिकेड हटाए जाने की घटना पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो सुरक्षा से जुड़े किसी भी मसले पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं। तस्वीरों को देखकर इतना जरूर साफ हो जाता है कि अब ब्रिटेन को समझ आ गया होगा कि भारत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था या लापरवाही ब्रिटेन ने दिखाई, भारत ने भी ब्रिटिश हाई कमीशन को उसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था देकर असलियत का आईना ब्रिटेन की सरकार को दिखा दिया है। इससे पहले जहां लंदन में कई भारतीयों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारतीय उच्चायोग के सामने अपनी ताकत दिखाई थी और भारतीय उच्चायोग का समर्थन किया था, तो वहीं दिल्ली में ब्रिटिश प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर कई सिखों ने भी प्रदर्शन किया था। उम्मीद की जा सकती है कि भारत के इस कदम के बाद अब ब्रिटेन की सरकार भारतीय उच्चायोग और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा के मामले को गंभीरता से लेगी और यह भी समझ चुकी होगी कि भारत को हल्के लेने पर भी उन्हें माकूल जवाब मिल सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।